दिल दिया गल्ला। रेग सरदार जी, एक पुत्र तो गवाई दिया ना हमने, राणा नासरी वीर। वो ऐसी बातें ना मुंह से निकाल संजोत, ना ऐसी बातें ना कर। मैंने पूरा जोर लगा देना है उसको छुड़वाने के लिए, और भरोसा रख मेरे पे, वीर भी मुझे उतना ही प्यारा है जितना राणा, शायद उससे भी ज्यादा। उसी ने तो इतने सालों तक मुझे संभाला है। मैंने भी उसकी सारी चीजें, ये देख देख संजोत, ये देख, मैंने भी उसकी उसकी ये सारी चीजें संभाल के रखी। ये देख, ये वही कपड़ा है ना, इसमें लिपटा हुआ था जब वो मुझे मिला था। और ये वो कड़ा, निकासा पर मजबूत, बिल्कुल मेरे वीर की तरह, सब संभाल के रखा हुआ मैंने। अब कल को उसके घर वाले मिलेंगे तो ये सब चीजें देख के पहचान लेंगे ना अपने बेटे को। अब ना ही मिले तो ज्यादा अच्छा है। क्या वो दिखाऊंगा मैं उनको, क्या कहूंगा मैं उनको कि भाई मैं आपके बेटे को संभाल नहीं पाया, जेल में डाल दिया मैंने उसको। नहीं नहीं ना, ना ना, अपने बच्चे को जेल में नहीं रहने देना। वो बेकसूर है, उसकी बेगुनाही को साबित करना है हमें। बस एक बार राणा थोड़ा संभल जाए फिर मैंने सब ठीक कर देना। तो फिक्र ना कर संजोत, सब ठीक कर दूंगा मैं, है? बिल्कुल भी चिंता ना कर तू। ओए, पूरी ताकत लगा दूंगा मैं अपने बच्चों को बाहर निकलवाने के लिए। हवेली गिरवी रख दूंगा मैं, अपने आप को बेच दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा मैं। उसको मैं कार लेके आऊंगा, पक्का कार लेके आऊंगा, भरोसा रख तू मुझ पे, भरोसा रख। कभी सोचा था तूने कि जिन्हें बाऊजी बाऊजी कहते तेरा मुंह नहीं थकता, जिनके लिए सबसे लड़ता फिरता है, वो तेरे साथ ऐसा सुलूक करेंगे? साबित कर दिया परारों ने कि सक्का सक्का होता है और पराया पराया। तू उनके लिए पराई है पुत्र। कभी बताया नहीं दिलप्रीत ने तुझे कि वो तुझे कहां से उठा के लाया है और क्यों? मैंने कभी पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूं मां, कैसे करोगी तुम ये सब? कैसे निकालोगे वीर को और कैसे बचाओगे राणा भाई साहब को? आपने बताया नहीं, उपाय किस लिए हैं? बस ऐसे ही देखने चली आई कि तू ठीक है कि नहीं। मेरे ठीक होने या ना होने से आपको क्या मतलब? कुछ नहीं, बस दिल को बड़ी तकलीफ हुई जब पता चला कि एक शरीफ होनहार फर्मा बरदार नौजवान के साथ इतना गलत हुआ। रब दी सौ, जब पता चला कि दिलप्रीत ने अपने कसूरवार लेकिन सगे पुत्र को बचाने के लिए अपने निर्दोष माने हुए बेटे की बलि चढ़ा दी है, तो दिल को बड़ी तकलीफ हुई। कैसे लोगों से रिश्ता निभा रहा है
जिन्होंने पहला मौका पाते तुझे पट्टी में झोंक दिया। इंसान एक जानवर को भी पालता है ना, तो उससे लगाव हो जाता है। उन्होंने एक हाड़ मांस के इंसान की कदर नहीं की। हद्दी हो गई, मतलब हद तो सच में हो गई आंटी जी, है ना? तुझे भी गुस्सा आ रहा है ना बरार खानदान पर? आपा तो बहुत गुस्सा है उन पे। आपका तो पता नहीं, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा। पर उनके ऊपर नहीं, आपके ऊपर। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने बाबूजी के खिलाफ एक शब्द भी सुनूंगा? आंटी जी, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, इसलिए बदतमीजी नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि मेरे बाबूजी ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। बड़े ही साफ सुथरे शब्दों में कह रहा हूं, कुछ भी अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं अपने बाबूजी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। मान बिल्कुल ठीक कह रहा है, गोली वीर ने नहीं राणा ने चलाई थी। आपा भी उतते ही थे उस वक्त खुशवंत के साथ। हवलदार छोड़ दो मुंडे नु। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं कह रहा हूँ मैंने खून किया। ऐसे कैसे कर सकते हैं? बाहर नहीं आऊंगा, सबूत भी दी। कहा था ना पुत्र जी, बाहर तो आपा ही निकालेंगे, क्योंकि तेरे बाबूजी के पास तक कुछ नहीं। जाई जी, बस इतना क्यों चिल्ला रही है? कान के पर्दे फट जाएंगे आपा के। पर कोई नहीं, तेरी भी तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी ये नजारा देख के। मुझे पुलिस वाले से बचा लो, जेल नहीं जाने दी प्लीज। कल रात ही उन्होंने थूक के भाव गोलियां खाई थी। गाज हमेशा हम पे गिरती है। क्यों? कैसे बाप हैं आप? आपने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया, उसकी हिफाजत तक नहीं कर सकते, कुछ तो कीजिए। दादी जी, देख लो राणा, देखिए अपने भाई को देख लिया। देखा राणा, कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। भाई साहब कर देंगे। वैसे बात तो तेरी सही कह रही है वोटी, तेरे बाप ने हमेशा तुझ से ज्यादा मान से प्यार किया, और मान ने भी अपने भाई और दामाद के बीच दामाद को ही चुना। तेरी तो कोई कीमत ही नहीं है राणा, ना तेरे बाप की नजर में, ना तेरे भाई की नजर में। बड़ी तकलीफ होती है मैंने ये देख के। मुझे ना आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, पर आपने आके क्या कर लिया? बड़ा तीर मार लिया। देख भाई, आज तक आपा इसलिए चुप थे कि हमें लगा ये किसी होर के घर का अंदरूनी मामला है, हम बीच में क्यों पड़े। पर फिर वो तो अच्छा हो गया कि खुशवंत की वोटी जसप्रीत ने हमें समझाया कि अब हम रिश्तेदार हैं, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अच्छा साथ दिया है आपने। ये सही है, भाई कुछ भी बोले तो वो सच्चाई का कानून का रखवाला है। आपा वही बात बोले, आपा गलत। अरे खुशवंत और आपा भी थे ना उठे, बाद में पुलिस को पता चलती बात वो हमसे पूछताछ करते। फिर थे तो और लोग भी वहां।
थे तो और लोग भी वहां। कौन? प्रभजोत? उसकी बात पे किसी को भरोसा करना चाहिए क्या? तू तो डॉक्टर है, समझता है उसकी हालत। उस चिल्ली को तो आज तक ही लगता है कि उसका रोका तेरे साथ होने वाला है। तो कर दे तुम दोनों का रोका उसकी बात मान के। वीर चलो यहां से। रोटी लेके आई थी वीर के लिए, पर क्या पता था कि राणा को अंदर कर रहे हैं, वरना उसकी पसंद का भी कुछ बना लाती। निमृत कल सुन पुत्र, माना कि तेरे टब्बर ने तेरा साथ कभी नहीं दिया, पर आपा दा एक उसूल है, आपा रिश्तेदारों को कल्ला नहीं छोड़ते। तू फिकर ना कर पुत्र, जैसे वीर को छुड़ाया है वैसे तेरे राणा को भी छुड़ा देंगे। वाह परजाई जी वाह, पहले छुपते छुपाते अंदर करो और फिर बाहर निकाल दो और फिर सबके सामने महान बन जाओ। पर एक गलत बात आपके मुंह से निकल गई, निम्रत का परिवार आज भी उसके साथ है और हमेशा उसके साथ रहेगा, और उसका बड्डा पढ़ाने भी साथ नहीं छोड़ा उसका और ना ही छटेगा। चल निम्रत। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.